यूट्यूबर्स, आज मैं आपके लिए स्पिन किकर ट्यूटोरियल लेके आया हूँ, जो कि टाइक्वांडो में कराटे में आपने अक्सर देखा होगा। इसको स्पिन वो किक की बोलते हैं, स्पिन किक बोलते हैं, मुख्तलिफ किस्म की होती हैं, लेकिन जो बेसिक स्पिन किक है कैसे होती है ये हम आज आपको बताएंगे। तो आपने कम्प्लीट वीडियो देखनी है और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली वीडियोस आपको मिलती रहे, और बेल आइकन के बटन को जरूर आपने पुश करना है ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। तो व्यूअर्स, सबसे पहले स्पिन किक को करने के लिए आपको स्टांस लेना पड़ेगा, यानी कि खड़े आपको होना पड़ेगा जैसे कि मार्शल आर्टिस्ट खड़े होते हैं। तो अगर आपको स्टांस लेना नहीं आता तो आप मेरी प्रीवियस वीडियोस देख सकते हैं जो चैनल पे पड़ी हुई हैं। तो आप स्टांस लेंगे और इसमें तीन स्टेप होंगे स्पिन किक को करने के लिए, आपको तीन स्टेप करने पड़ेंगे। और सबसे जो फर्स्ट स्टेप होता है वो 180 डिग्री आपने टर्न करना है, और उसके बाद स्टेप नंबर टू पे आपने पीछे देखना है अपने टारगेट को, चाहे वो रैकेट है चाहे वो फेस है। अगर आप फाइट में हैं तो आपके सामने जो आपका ओपोनेंट होता है उसके फेस पे किक करनी होती है, तो आपने उसको देखना होता है। तो वो जस्ट आप उसको देखेंगे तो ये स्टेप नंबर टू है आपको। स्टेप नंबर थ्री पे आपने किक को स्पिन करना है पीछे की तरफ, तो ये स्टेप नंबर वन है। स्टेप नंबर टू पे पीछे देखेंगे, स्टेप नंबर थ्री पे किक को स्पिन कर देंगे। तो जैसे ही आप टर्न करेंगे तो आपका जो आगे वाला फुट होगा अब इसको आपने स्पिन करना है पीछे की तरफ। स्टेप नंबर टू पे पीछे देखेंगे और थ्री पे आपने किक निकाल देनी है। तो व्यूअर, ये तीन स्टेप हैं, इसको आपने प्रैक्टिस करना है रोजाना, तो आपकी स्पिन किक इंशाल्लाह बन जाएगी। ये बेसिक स्पिन किक है। इसके बाद जो एडवांस जो स्पिन किक्स होती हैं उनका ट्यूटोरियल भी मैं आगे लेके आऊँगा, लेकिन कुछ लोग जो होते हैं उनकी जो स्पिन किक होती है उसमें कुछ प्रॉब्लम होती है, यानी कि स्टेप नंबर थ्री में जब आपने अपनी स्पिन किक को स्पिन करना होता है यानी उठा के उसको घुमाना होता है, तो वहाँ पे कुछ लोगों को प्रॉब्लम होती है, आपका फुट जो है वो ठीक से घूमता नहीं और किसी जगह पे आके फंस जाता है। तो वो क्या होता है, आपके मसल जो होते हैं वो फ्लैक्सीबल नहीं होते, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो रही होती है और आप ठीक से अपनी किक को स्पिन नहीं कर पाते। और इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए टाइक्वांडो के अंदर अक्सर जो है प्लेयर्स को ट्रेनिंग करवाई जाती है, एक वॉल के साथ खड़े करके उनको रोज़ाना जो है ये ट्रेनिंग करवाई जाती है और उनकी किक जो है फ्लैक्सीबल की जाती है। तो आप भी ये कर सकते हैं, जैसा कि आप देख रहे हैं आप एक वॉल के साथ खड़े हो जाएं, अपना एक हाथ या दोनों हाथ आप वॉल के साथ रख लें, जो किक आपने करनी है उस किक को आपने उठाना है और बैक साइड पे, यानी कि अपनी बैक साइड पे उसको आपने स्पिन करना है, क्योंकि वॉल का आपने सहारा लिया होगा, आप गिरेंगे नहीं। और अपनी किक को आप जब रोज़ाना की बुनियाद पे 100 टाइम में ये प्रैक्टिस करते रहेंगे तो आपकी जो फ्लैक्सीबिलिटी का प्रॉब्लम है, आपके मसल जो टाइट होते हैं वो एक तो ओपन हो जाते हैं, दूसरा जो आपकी किक का जो स्पिन होता है वो बेहतर से बेहतर होता जाता है। फिर जब आप इसको थ्री स्टेप में प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी स्पिन किक में फिर वो प्रॉब्लम नहीं होती जो अक्सर लड़कों को ये करते हुए होती है, यानी कि मसल टाइट हो जाना, स्टक हो जाना, आपकी स्पिन किक जो है वो किसी जगह पे आके फंसती है और अक्सर लड़के गिरते हैं या फिर अपने पॉइंट पे वापस अपनी किक को नहीं रख सकते, यानी जिस जगह से आपने किक उठाई है आपकी किक जब स्पिन होगी तो वापस अपनी जगह पे आनी चाहिए।